सैयदे वल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद उस पे लाखों सलाम। मिफ्ताह उलूम दीन ये है, या इल्म सिखाया जाता है। मिफ्ताह उलूम दीन ये है, या इल्म सिखाया जाता है। जिस गुल में महक हो इस्लामी, वो फूल खिलाया जाता है। इस गुलशन दी में ही हमने अल्लाह नबी को पहचाना। इस गुलशन दी क्या चीज है हक बातिल क्या है, हमने तो यहीं से है जाना। मिफ्ताह उलूम दीन ये है, यहाँ इल्म सिखाया जाता है। और अपनी तकरीर पेश करे, ये बच्चा भी इसी मदरसे में तालीम हासिल करता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदकल्लाहुल अज़ीम। जनाबे सदर और मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान, अस्सलामु अलैकुम। हर लज़े मोमिन की नई शान नई आन, हर लज़े मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारी वो गफारी वो कुद्दूसी वो जबरूत, कहारी वो गफारी वो कुद्दूसी वो जबरूत। ये चार अनासिरों तो बनता है मुसलमान। सामईन इकराम, मेरी तकरीर का उन्वान है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। मेरी गुफ्तगू बराए रास कौम मुस्लिम से है, तारीख इस्लाम से शरसाई रखने वाले जानती है कि उम्मत मुस्लिमा उरूज जवाल के मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है। कभी हम पर आजमाइश के अलमनाक बादल मंडलाए, कभी कौम जवाल पस्ती के दलदल में फंसी, और कभी फतेह वो कामरानी का आलम लेकर आगे बढ़ी। हमने मसायब आलम और जवाल पस्ती के हद में सब्र और शुक्र और खुद एतमादी और खुद एतमादी का दामन नहीं छोड़ा। खौफ इलाही और मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरशार होकर इनके अहकामात पर अमल पैरा रहे। इबादत खुदावंदी और सुन्नत मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शनाख्त रही। नुसरत खुदावंदी ने हमें जमीन की पस्तियों से उठाकर अजमतों की ओज सुरैया पर पहुंचा दिया। फिर हम शौकत व हैबत की ऐसी चट्टान बनकर उभरे कि जो भी हमसे टकराया पाश पाश हो गया। जिसने हाथ मिलाने की कोशिश की वो नीस तो नाबूद हो गया। हम वही है जिसने दुनिया के बेशतर हिस्सों पर हुक्मरानी की थी। हमने दरिया और समुंदरों पर हुकूमत की, हमारी हुक्मी ताबेदारी जंगल के बेदुबान जानवरों ने की, फलक पर चमकने वाले सितारों और सैयारों ने की, जमीन पर चलने वाली हवाओं ने की। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो सच्चे मोमिन थे। और आज हमारा ईमान खाली बर्तन की तरह है। हमारे सलाफ के रूह चीख चीख कर ये सदा लगा रही है कि तुम कोई मामूली उम्मती नहीं हो, तुम तो दुनिया की इमामत करने वाले हो। और ये पैगाम दे रही है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मौजूद सामईन इकराम, आज हम चीख चीख कर दूसरों को अपनी तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की तबाही की जिम्मेदार हम खुद ही हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर
नहीं रहा है, जिसकी तपिश से बड़ी बड़ी चट्टानें भी रेजा रेजा हो जाया करती थी। अस्सलात खैरु मिनन्नौम की सदन पर चादर तानने वालों, हम भूल गए कि नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हमने इबादतों को रियाकारी का जरिया बना लिया, सूदखोरी और हरामखोरी ने हमें बुज़दिल कर दिया, झूठ और गीबत ने हमें बेज़मीर कर दिया। हमारी नमाजों में खुशू खुजू बाकी नहीं रहा और ना हमारी दुआओं में वो असर बाकी है। लोगों के हुकूक मार कर बड़ी बेशर्मी के साथ हज और उमरा कर रहे हैं, झूठी मुबारकबादियां कबूल कर रहे हैं, झूठ इस कदर और यकीन के साथ बोल कर सच्चे को झूठा साबित कर रहे हैं, अपनी दुनिया को आबाद करके अपनी आखिरत को खराब कर रहे हैं। फलस्तीन की सरजमीन लाशों के ढेर लग रहे हैं और हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं। हमारी कौम इंतशार का शिकार है और हम चमचागिरी का शिकार है। सामईने किराम, वो हमारी इस्लाह से जो समुंदरी तूफान हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खौफजदा ना कर सका, नमरूद की आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला ना सकी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन का जबल डरा ना सका, 313 सहाबाए किराम फौज काफिरों के लश्कर जर्रास से बेखौफ थी, और ना ही तारिक बिन ज़ियाद को स्पीन के साहिल पर कश्तियों को नजर आतिश करते हुए कोई खौफ महसूस हुआ, मगर आज पत्तों की सरसराहट भी हमारे दिलों की धड़कन को तेज करने के लिए काफी है। खौफ और दहशत के दीमक ने हमारे दिलों को खोखला कर दिया है, मायूसी की सख्त धूप ने हमारी कौम की सरसब्जी छीन ली। सामईन इकराम, अब भी वक्त है, जला दो साहिले मकासिद पर फिर से हविस होने वाली कश्तियां और कुचल डालो वक्त के नमरूदों को, जला दो दीन अकबरी के नापाक औरा को रकम करो, फिक्र 10 तारीख पर शाह वलीउल्लाह की जुर्रात रिंदाना, जो अजमतों पे दीन की कुर्बान हो गए, जो अजमतों पे दीन की कुर्बान हो गए वो लोग अपने अहद की पहचान हो गए। खुदा हाफिज़। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।